हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि मैंने आपको एक सिलेबस दिया था, वो आपका सिलेबस था लेक्चरर का। हालांकि अगर एलटी की सिलेबस की बात करें तो लगभग दोनों के सिलेबस सेम है, लेकिन जो लेक्चरर वाला सिलेबस है वो एक स्टेप थोड़ा सा हार्ड है आप कह सकते हो। वरना आप अगर एलटी और लेक्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा लेक्चर लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो एलटी का लेवल है थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा लेक्चर का ज़्यादा है। तो मैं आज जो यहाँ पे आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो आपका रहेगा एलजेब्रा का, और इसमें एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे, जो इसके फॉर्म की जो डेट अभी 30 अक्टूबर बताई जा रही है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकती है। ओके गाइस, और जो बीएड लास्ट ईयर में है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और जो पीजी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात चल रही है यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल बेसिक बात करने वाले हैं कि एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो अगर मैं परमुटेशन की बात करूं तो परमुटेशन में आप बात करते हो अरेंजमेंट्स की, एंड कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें आप बात करते हो सिलेक्शन की। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके पास चार लेटर हैं, ए बी सी एंड डी, और मैं आपको एक कंडीशन ये देता हूँ कि आप इन चार में से किन्हीं भी दो लेटर को लेके अरेंजमेंट बनाइए। राइट, अरेंजमेंट बनाइए मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परमुटेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो जो दो आप लेटर लोगे वो आप ले सकते हो, या तो ए बी ले सकते हो, या बी सी ले सकते हो, सी डी ले सकते हो, या फिर डी ए ले सकते हो। ठीक, और भी ले सकते हो, बताते हैं धीरे धीरे करके। आपने क्या करना है, इन चार लेटर में से दो लेटर को लेके अरेंजमेंट बनाना है। तो देखिए, ए बी एक अरेंजमेंट है, अगर मैं इसको बी ए कर दूं तो ये एक अलग टाइप का अरेंजमेंट है, बट सिलेक्शन में दूसरी चीज़ होती है। अभी सिलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप कहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ परमुटेशन पे ध्यान दो, यानी अरेंजमेंट पे ध्यान दो। तो ए बी एक टाइप का अलग अरेंजमेंट है एंड बी ए एक टाइप का अलग अरेंजमेंट है, आगे पीछे है, बट अरेंजमेंट तो दूसरा है ना। तो ध्यान रखना, आप आगे पीछे करोगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। सिमिलरली आपका बी सी, तो इसको आप सी बी लिख सकते हो, सी डी को डी सी एंड डी ए को ए डी। और कौन से बन सकते हैं, ए सी बना सकता हूं मैं, तो अगर ए सी होगा तो उसका उल्टा भी होगा यानी सी ए भी होगा। अगर मैं बी डी लूं तो इसका एक और बनेगा डी बी। इससे ज्यादा आप अरेंजमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपके पास चार लेटर थे, तो चार लेटर में से आपने दो लेटर पकड़े और उनके अरेंजमेंट बना दिए। देखो अभी तो यहां पे चार लेटर हैं, और कितने बन गए अरेंजमेंट, चार चार आठ चार बारह। अगर मान लो ज़्यादा लेटर होते तो क्या मैं ऐसे एक एक करके अरेंजमेंट बनाऊंगा, बहुत टिपिकल टास्क है। बट समझाने के लिए ये चीज़ पहले बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए अरेंजमेंट बनते कैसे हैं। तो ये आपके टोटल 12 अरेंजमेंट आए, कितने आए, 12 अरेंजमेंट। तो ये बात होगी अरेंजमेंट की। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन की यानी कॉम्बिनेशन की। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन ये है आपका कि आपके पास चार लेटर ए बी सी डी हैं, और इनमें से किन्हीं दो लेटर को लेकर के आपको क्या बनाना है, आपको मतलब आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन मतलब दो सिलेक्शन करना। ठीक है, तो अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा। आप दो लेटर जो सेलेक्ट करोगे, ए बी लोगे, बी सी लोगे, सी डी लोगे, डी ए लोगे। अब इसको ऐसा मत कर देना, ए बी है तो ये बी ए आपने किया तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा, बट सिलेक्शन हमने चार में दो को सेलेक्ट करना है। तो एक टीम मान लो मैं टीम बना रहा हूँ, तो ए बी की टीम में ए और बी तो होंगे, अब बी को आगे रखूं, ए को पीछे रखूं, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन की। तो आप ए को पहले सेलेक्ट करो, बी को बाद में सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात एक ही है जब आप किसकी बात कर रहे हो, सिलेक्शन की बात कर रहे हो। बट हाँ, ये बात अलग हो जाती है जब आप किसकी बात करते हो, अरेंजमेंट की। तो सिलेक्शन में ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता, या तो मैं इसको ए बी लिखूंगा या मैं इसको बी ए लिखूंगा, बात एक ही है। तो अब और क्या बन सकते हैं ऐसे में, इसको रिवर्स नहीं कर सकता, इसको भी रिवर्स नहीं कर सकता, और इसको भी रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, अब और क्या बन सकते हैं आपका, देखो ए सी बन सकता है, और ये आपका क्या बन सकता है, बी डी बन सकता है। तो सिर्फ चार और दो छः, तो आपके यहाँ पे सिर्फ सिक्स कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी छः टाइप से आप सिलेक्शन कर सकते हो, या मैं बोलूँ आप सिक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कब, जब चार में से दो लेटर्स को लेकर के आप दो लेटर को यूज करते हो। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा, अरेंजमेंट बनाना सीखा, और हमने क्या सीखा, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन बनाना सीखा। तो चार में से दो को लेकर के हमने काम किया। अब बात करेंगे फॉर्मूले की, क्योंकि फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। और फॉर्मूले से पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल, ये आपका एन का फैक्टोरियल है।
ठीक है। अब इस n के फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो n माइनस, देखो फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, आप एक तो ऐसे दिखा सकते हो फैक्टोरियल या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ही साइन किसके हैं फैक्टोरियल के। ओके गाइस, तो जनरली मैं यहाँ पे ये साइन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो साइन यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं n के फैक्टोरियल की बात करूँ तो आप इसको लिखते हो n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री टिल वन, तो लास्ट में जो आप रुकोगे वो आप वन पे रुकोगे, वन एक लास्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है, जीरो और नेगेटिव नंबर्स में नहीं जाओगे। आपका जितना भी n का फैक्टोरियल होगा जो लास्ट में जाके लास्ट होगा वो आपका कितना होगा, वन पे लास्ट होगा, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे अगर मैं फाइव के फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा फाइव, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर, अब फाइव माइनस फाइव मत कर देना, ये हो जाएगा जीरो, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। कहाँ तक जाओगे आप, सिर्फ फाइव माइनस फोर तक जाओगे, ये बिल्कुल बेसिक है। सिंपल क्या करो, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आप ये आदत डालो कि पाँच से नीचे आपको जाना है, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, खत्म बात, ये हो गया फाइव का फैक्टोरियल। और इसको थोड़ा सा मैं और अगर अपनी कलाकारी दिखाऊं तो कहीं कहीं पे यूज़ भी करना पड़ता है हमको, जैसे फाइव के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल, मैंने इस सीरीज को लिख दिया फोर का फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फाइव का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा अरेंजमेंट चाहिए या आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, ये उस पर डिपेंड करता है, तो आप शॉर्टकट बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो हमने फैक्टोरियल डिस्कस कर लिया है, अब बारी हमारी किस, हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम कर क्या रहे थे, हम यहाँ पे अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो अगर देखो 12 अरेंजमेंट थे, मैंने यहाँ पे परमुटेशन की बात की क्योंकि अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने चार लेटर में से दो लेटर को लेकर के क्या बनाए, अरेंजमेंट बनाए। तो ये आपका जो फॉर्म है ये आपका परमुटेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं एन पी आर, और n आपका हमेशा क्या होगा, इक्वल और ग्रेटर होगा किसके, r के, क्योंकि आप चार में से दो को सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आपका n कितना हो गया चार और r कितना हो गया दो। ठीक है, तो n p r का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, सिंपल। तो आप इसी फॉर्मूले से क्या करोगे, अरेंजमेंट निकालोगे, तो आपके पास कितना है, फोर पी टू है, तो फोर पी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर का फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस टू का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा आपका, फोर का फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस टू का फैक्टोरियल यानी टू का फैक्टोरियल। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ फोर इंटू थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, और नीचे आपका टू का फैक्टोरियल, टू से टू के फैक्टोरियल से टू का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एंड ये आपका कितना आ गया आंसर, ट्वेल्व। तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने अरेंजमेंट की बात की, ट्वेल्व आए, तो ट्वेल्व भी हमने अरेंजमेंट निकाले थे, हमने इसको बिल्कुल एक एक अरेंजमेंट को आपको दिखाया करके, आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कॉम्बिनेशन की, तो देखो तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है आपका एन सी आर, जिसकी हम बात करें तो ये होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और फिर अलग से आप r का फैक्टोरियल एक और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 में से दो लेटर को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ये कितना आएगा, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड इनटू में 2 का फैक्टोरियल, तो ये 6 आना चाहिए और ये आएगा बिल्कुल। 4 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो, चलो अभी 4 का फैक्टोरियल लिखो इसको, और 4 माइनस 2 यानी 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो एक 2 के फैक्टोरियल से एक 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 अपॉन 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, यानी 2 का फैक्टोरियल आपका किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल ही होता है, 2 इंटू 1 लिखो, बात एक ही है, तो 2 टू जा 4, तो 3 टू जा 6, यानी 6 आपके कॉम्बिनेशन आएंगे, और यही हमने बात की थी। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको इतना तो कन्फर्म हो गया होगा कि आपका अरेंजमेंट्स होते क्या हैं, सेलेक्शंस होते क्या हैं, यानी कि अगर आपको ये क्लियर है तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ओके, अब थोड़े से यहाँ पे हम बात करेंगे, अब अरेंजमेंट थी अभी हम बात करने वाले हैं परमुटेशन की, कॉम्बिनेशन को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है, अभी हम इस एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, तो वन बाय वन हम पहले किसको क्लियर कर लेते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं आपका परमुटेशन को। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पकड़ रहे हैं जो आपका रिलेटेड है परमुटेशन से, और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपको क्वेश्चन में पता खुद करना पड़ेगा, आपको साफ साफ नहीं बोलेगा कि यहाँ पे परमुटेशन यूज़ हो रहा है या यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, वो क्या करेगा,
आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको खुद दिमाग लगाना है कि कहाँ पे परमुटेशन यूज होगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं अभी परमुटेशन की, तो अभी आप परमुटेशन ही समझोगे। तो मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस ध्यान से सुनिएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 and 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। देखो तो 1, 2, 3, 4 and 5 आपको ये पांच डिजिट दे रखे हैं और आपको पहला केस बोला है कि आपको इनसे थ्री डिजिट का लेटर बनाना है। तो थ्री डिजिट आप ऐसे समझ लो 1, 2, 3 और उसमें भी आपको एक चीज उसने बोल दी कि पहला केस जब आपको रिपीटेशन अलाउड हो और दूसरा केस जब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। तो जब आपको रिपीटेशन अलाउड होगा तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास 5 नंबर्स हैं एक डब्बे को भरने के। जब रिपीटेशन अलाउड है तो आप इस डब्बे को 5 तरीके से भर सकते हो। और रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है, अब 5 है तो फिर से आप इसको ये भी इसमें से 5 में से कोई सा भी लेटर भर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो जब आप चेक करोगे कि इस 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट से तीन डिजिट के कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, तो आप क्या कर दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 × 5 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 125। कब, जब आपका रिपीटेशन अलाउड है। और अगर उसने बोल दिया आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब आप क्या करोगे, आप फिर से तीन डब्बे बनाओगे और क्या करोगे यहाँ पे, इस पहले डब्बे को भरने के 5 तरीके, अब 5 में से कोई एक नंबर यहाँ आ जाएगा, तो यानी अगले डब्बे को भरने के सिर्फ 4 तरीके हैं, तो उन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद इस डब्बे को भरने के 3 तरीके हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। या आप इसको रिवर्स करके भी कर सकते थे, पहले वाला डब्बा चूज कर लेते, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, लेफ्ट से लो राइट से लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट फर्क पड़ेगा जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको समझते हैं, तो 3, 4 = 12, 12, 5 = 60। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप इन 5 डिजिट से 60 डिजिट मतलब 60 अरेंजमेंट बना सकते हो जब आप 3 डिजिट को ले रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, रिपीटेशन इज अलाउड तब क्या होगा और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तब क्या होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, थोड़ा सा क्वेश्चन को और टिपिकल सा बनाते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, और डिजिट रिपीट की जा सकती हैं। क्या नंबर बोले उसने, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ओके गाइस, ठीक। तो आपको इससे एक इवन नंबर बनाना है, कितने डिजिट का बनाना है इवन नंबर आपको, 3 डिजिट का। तो देखो सबसे पहले तो आप 3 यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो 3 बॉक्स जब आप बॉक्स ड्रॉ करोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको भरने के इतने तरीके हैं। देखो आपका इवन नंबर कब होगा, सबसे पहली चीज इवन नंबर कब होगा, जब जो लास्ट का डिजिट है वो इवन हो। अगर आपका लास्ट का डिजिट इवन है तो पूरा का पूरा नंबर जो बनेगा आपका इवन नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो देखो इवन नंबर आप कौन कौन से ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो या 6 ले सकते हो। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, सिर्फ 3 तरीके, क्योंकि यहां पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, तो इसको भरने के 3 तरीके। अब इसके आगे पीछे जो ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके होने चाहिए, अब टोटल कितने, 6 नंबर थे, 6 में से आपने एक को फिल कर दिया है, ठीक है, और उसने बोला रिपीटेशन अलाउड है, तो इन 2 में से आप मतलब इसमें आप 6 में से कोई सा ही भरो, जब रिपीटेशन अलाउड है तो आप 6 में से कोई सा ही भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले डब्बे को भर रहे हैं तो इसमें से 6 में से कोई सा भी नंबर भरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आपका आंसर कितना आने वाला है, 6 × 6 × 3, तो कितना हो गया, 6 × 6 = 36 × 3, तो 3 × 6 = 18, कैरी 1, 3 × 9 = 10, तो 108 तरीके के अरेंजमेंट बन सकते हैं। बट ये कौन सा केस था, जब रिपीटेशन आपको अलाउड था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से बना के दे रहा हूँ, अब आपको बोल दिया जाए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो उस केस में क्या करोगे, आप 3 डब्बे फिर से ही बनाओगे। अब क्या करोगे, इसको तो भरने के 3 तरीके हैं, तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा,
या तो यहाँ पे दो आएगा या चार आएगा या छः आएगा, ठीक है गाइस। बट इसको इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसको भरने के देखो छः नंबर थे, छः में से एक एक तो आपने भर दिया, तो इसको भरने के पाँच तरीके, फिर इसको भरने के चार तरीके, तो 4 × 5 × 3, तो 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, यानी कौन सा केस है, जब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। अब एक चीज़ छोटी सी और समझ लो आप, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बताते हुए चलता हूँ जो काम की आपके। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दिए थे और बोला था 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिसमें आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कौन सा केस की बात करूँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम 6 लेटर हैं हमारे पास टोटल, 6 में से 3 को लेके बना रहे हैं, तो 6B, 3B यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कब करेंगे, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, कहीं उसमें मत कर देना जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ध्यान रखो। बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे करोगे, देखो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 − 3 का फैक्टोरियल, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना NPR का, n का फैक्टोरियल अपॉन n − r का फैक्टोरियल, ओके गाइज ओके। अब क्या करो, देखो ये कितना आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 − 3 यानी 3 का फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल आप यहाँ पे रोक सकते हो, और ये आपका 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 6 × 5 = 30, तो 30 × 4 कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी 120 अरेंजमेंट, ओके गाइज। तो अगर मैं इसको वैसे बनाता तो कितने बनते, 1, 2 या 3 होता आपका, तो इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 5, और इसको 4, तो 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120। आई थिंक क्वेश्चन शायद चेंज है, मैंने अपनी तरफ से बनाया क्वेश्चन, चाहे आप ऐसे डब्बे भर लो या आप ऐसे भी कर लो, लेकिन कौन से केस में करोगे, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक पहले वाला क्वेश्चन शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, बट कोई नहीं, अगर मैंने क्वेश्चन चेंज भी किया है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान देना आप, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके गाइज, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं आपको एक वर्ड दूँ APPLE और आपसे बोल दूँ किस एप्पल से, जो एप्पल में आपके लेटर्स हैं, इन लेटर्स से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हो, इनको आगे पीछे करके, कभी P को आगे लिया है, कभी LE को आगे लिया है, फिर आगे पीछे करते गए, आपस में चेंज करते गए, तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट आप बना सकते हो, तो इसका तरीका क्या है, कैसे निकालोगे। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर है कि इन लेटर्स को यूज़ करके आप कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, टोटल कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन, इनमें से अगर कोई लेटर रिपीट हो रहे हैं तो उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो जैसे मैं कहूँ यहाँ पे P जो आपका है ये 2 times आया है, बाकी सारे सिंगल टाइम है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 × 3 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60। तो इस एप्पल वर्ड में जितने लेटर हैं, इन लेटर को आप इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो, लेटर आगे पीछे हो जाएंगे, तो आगे पीछे होके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, टोटल 60 अरेंजमेंट, ओके। अब जैसे मान लो मैं अपने नाम का एक लेटर ले रहा हूँ, अपने नाम के लेटर ले रहा हूँ ARUN, और अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें अरुण वर्ड से, जो अरुण में लेटर यूज़ हो रहे हैं उनसे आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, तो क्या करोगे आप, 1, 2, 3, 4, 4 का फैक्टोरियल अपॉन, कोई लेटर रिपीट हो रहा है, आई थिंक कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सीधे कुछ नहीं आएगा, 1 का फैक्टोरियल, या आप 1 के फैक्टोरियल को भी मत लिखो, ठीक है। आप क्या करो, कोई भी रिपीट नहीं, देखो 1 का फैक्टोरियल लिखो या यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल लिखो, बात देखिए 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, इसको याद रखना, 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू 0 मत लिख देना, ठीक है। तो आप या तो ऐसा लिखो या फिर ये भी मत लिखो, सीधे क्या कर दो, 4 का फैक्टोरियल, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 × 12, 12 × 24, तो यानी अरुण वर्ड में जितने लेटर यूज़ हो रहे हैं तो उनको आप आगे पीछे अरेंज करके 24 अरेंजमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, जितने लेटर्स गए होंगे उनका फैक्टोरियल, और उनमें से कोई अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो उनका फैक्टोरियल, जैसे P अगर मतलब ऐसे N स्मॉल P ले लेते हैं, P का फैक्टोरियल, Q का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल अप टू 1, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है।
अगर मान लो इसमें अगर एक वर्ड मैं और बनाता इसी का, जैसे मान लो थोड़ा फॉर्मूला सीख लेते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा होता एल ई ई होता, एप्ली करके कोई भी लेटर होता, ठीक है। हाँ एक और चीज़, जो हमने अरेंजमेंट बनाए थे, जो अरेंजमेंट बनेंगे जरूरी नहीं है कि कुछ मीनिंग्स निकलेंगे, वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और मीनिंगफुल नहीं भी हो सकते हैं। उसने खाली अरेंजमेंट बनाने की बात की थी आगे पीछे करके, तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि मीनिंगफुल भी होने चाहिए, तो आपको क्या पता कितने मीनिंगफुल होंगे और कितने नहीं होंगे। तो ये पूछेगा कि इनसे आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो जो उसमें जिसमें मीनिंगफुल भी होंगे और मीनिंगलेस भी होंगे, ठीक है। ये आपको मीनिंगफुल और मीनिंगलेस से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इसका मैं क्या करता, 1 2 3 4 5 6 सिक्स का फैक्टोरियल अपॉन पी दो बार आए तो 2 का फैक्टोरियल और ई भी दो बार आए तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, अगर मान लो एक और लेटर रिपीट होता तो पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, जितने भी रिपीट होते रहते उनको हम नीचे लाते रहते, ठीक है। तो बस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 के फैक्टोरियल को आप देख सकते हो खाली 2, तो 2 × 4 तो 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 6 6 × 3 = 18, यानी 180 अरेंजमेंट आप इसके बना सकते हो, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ जिसे आप सॉल्व करो। 5 PR इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है ट्वाइस ऑफ 6 PR-1 और आपको R की वैल्यू निकालनी हो, तब क्या करोगे, इसको ऊपर लिख देते हैं, आपको R फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं, खाली दिखने का लग रहा है सिंपल। कैसे देखो, इसको आप लिखोगे 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - R का फैक्टोरियल और आपका 2 ये मल्टीप्लाई में, ये आपका 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - R - 1 का फैक्टोरियल, ओके गाइस। आप इसको लिखो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - R का फैक्टोरियल, ओके। नाउ ये आपका 2 × 6 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन 6, अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 - R - 1 इसका फैक्टोरियल, यानी 6 - 1, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 6 - R + 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 7 - R का फैक्टोरियल, ओके गाइस। अब देखो मैंने यहां पे इसको लिखा 6 × 5 का फैक्टोरियल, तो ये 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ अब क्या करो, देखो इसको मैं यहां यूज कर लेता हूं, अभी आपका कितना है 1/5 - R का फैक्टोरियल एज इट इज, उसके बाद कितना है 2 × 6 अपॉन 7 - R के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 - R एक कम करते रहो, फिर 6 - R होगा, 7 - R में से एक कम करोगे तो 6 - R होगा, ऐसे करके देखो 7 - R - 1 तो 7 - 1 यानी 6 - R। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 5 - R का फैक्टोरियल पे यहाँ पे रोक दो और आगे सॉल्व मत करना कि 5 - R फिर 4 - R, हमें देखना है हमें कैंसिल करना ना, यहाँ भी 5 - R का फैक्टोरियल है और यहाँ भी 5 - R का फैक्टोरियल है, तो आप कैंसिल आउट, ये चीज कैंसिल आउट हो गई, तो 1 = कितना बचा, 6 × 2 = 12 अपॉन 7 - R × 6 - R, तो ये यहां पे ले जाओ 7 - R × 6 - R = 12, ठीक है। अब एक काम और मत करना कि इसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आएगी उसके बाद आप आंसर निकालोगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो एक चीज नोटिस करो, ये 7 - R और 6 - R क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 4, 5, 6, 7 जो नंबर लगातार आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो देखो एक 7 - R एक 6 - R है, तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और यहाँ पे 12 है, तो आप ऐसा दिमाग लगाओ कि ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो नोटिस करो 4 × 3, 4 × 3 = 12, तो आप 4 × 3 करोगे तब आपका 12 आएगा, बस आपका आंसर आ चुका। 7 - R आपका बड़ा होगा और 6 - R छोटा होगा, तो यानी एक ही को पकड़ लो, या तो 6 - R को, या तो 3 को पकड़ लो या 4 को पकड़ लो, एक ही को पकड़ लो आंसर आ जाएगा, तो 7 - R = 4 के इक्वल, तो यहां से 7 - 4 = R, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 4 यानी 3, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई, ठीक है गाइस। तो यहां पे इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट, आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक ऐसी क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, वो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और क्वेश्चन सिंपल है, टफ नहीं है, तो घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है।
नाउ अगला जो क्वेश्चन है आपका 5PR इज इक्वल्स टू 6PR-1। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करोगे, आपको फिर से क्या निकालना है, R निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5-R का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6-R-1 का फैक्टोरियल। पॉज करके खुद निकालना। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5-R का फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 × 5 का फैक्टोरियल इसको लिख दो और यहाँ पे नीचे 6-R+1 का फैक्टोरियल। आगे 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन 5-R का फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 6+1 यानी 7। तो 7-R का फैक्टोरियल, बस आपका आंसर आने ही वाला है। 5-R का फैक्टोरियल अपॉन ये आपका इजी कॉस्ट टू में 6 अपॉन 7-R फिर 6-R जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, फिर यहाँ पे 5-R का फैक्टोरियल, 5-R के फैक्टोरियल से 5-R का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 1 = 6 upon 7-R × 6-R। तो यानी कि 7-R × 6-R इज इक्वल टू 6। और फिर से नोटिस करो 7-R × 6-R ये भी आपके दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो उसको हम यूज करेंगे। आप ऐसे कौन से दो नंबर सेलेक्ट कर सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 है और वो दोनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव हो। तो ये आपका कितना होगा, 3 × 2 = 6। तो 7-R आपका बड़ा नंबर होगा और 6-R आपका छोटा नंबर होगा। तो यानी आप एक नंबर को कंपेयर कर लो या तो इसको कर लो। चलो अब मैं छोटे नंबर को कंपेयर करके लगा लेता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बड़े नंबर को कंपेयर किया था, तो 6-R आपका किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। एक ही को करना है कंपेयर, या तो बड़े को कर लो या छोटे को कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो 6-2 = R यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस केस में मेरी R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। आई थिंक गाइज आपको मेरे सारे क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे और मैंने आपका कॉम्बिनेशन को लेकर के और परमुटेशन को लेकर के मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की, ठीक है गाइज। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों एक साथ लगते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कन्फ्यूज़ ज़्यादा नहीं होना है। तो आई थिंक मेरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो आप यहाँ पे विदाशी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का जो ऐप है इसको गूगल पे में जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और मैं इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप वाकई इसकी तैयारी कर रहे हैं डेडिकेट होके तो आप ये इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।